देखिए आप लोग जानते होंगे कि जितने भी टीके बनते हैं वैक्सीन के जो लगाए जाते हैं इंजेक्शन फॉर्म में इंजेक्ट किए जाते हैं बॉडी में, तो किसी भी बीमारी कोई भी बीमारी का है, जैसे कोई भी बीमारी का टीका बनता है तो उसको बनता पता कैसे, उस बीमारी के कीटाणु को जम्स को यानी कि वो जो बीमारी जिससे पैदा हो रही है उनके कीटाणु को पकड़ा जाता है और उनको मारा जाता है, उनको मार के उनकी जो डेड बॉडी होती है उसको कब्रिस्तान में दफनाया नहीं जाता है, उसी से दवाई बना ली जाती है और उनकी जो डेड बॉडी होती है उसको यूज़ करके दवाई बनाई जाती है, फिर वो दवाई वैक्सीन बन जाती है, फिर हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दी जाती है। तो वो अगर आपको बीमारी वो पास आती भी है उसके जानदार कीटाणु हमारी बॉडी में जाते भी हैं तो उनकी एंटीबॉडीज़ जो हैं उससे लड़ के उनको भी डेड कर देती हैं और जीत जाती हैं। तो इसी वजह से हम जो है बीमारियों से बच जाते हैं। तो इसके पीछे की लॉजिक यही थी कि भाई अगर हम जो है बीमारी से ग्रस्त होने वाले होते हैं उससे पहले अगर टीका लगवा लेते हैं, ऐसे ही समझ लीजिए कोरोना वायरस को। अच्छा, कोरोना वायरस का टीका शायद इसलिए देर में बना क्योंकि कोरोना वायरस अपने रूप बदल रहा था, बहुत ज़्यादा रूप बदल रहा था ना, बहुत जल्दी जल्दी रूप बदलने लग रहा था, तो शायद इस वजह से देर लगी हो। तो मेरे हिसाब से कोरोना वायरस का भी टीका ऐसे ही बना होगा कि उनको कोरोना वायरस को पकड़ा गया होगा, उसको हलाल किया गया होगा और उसकी जो है डेड बॉडी पकड़ के और कोविड कोवैक्सीन जो वैक्सीन बन चुकी हैं है ना, अलग अलग नाम है वैक्सीन के, तो उस नाम से वैक्सीन बनाएगी और वो हमारे टीके लग रहे हैं और दो डोज लग रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब तो ओमाइक्रॉन भी आ गया जिसे सब ओमिक्रॉन कह रहे हैं, उसको एक्चुअल में ओमाइक्रॉन कहते हैं, तो वो भी आ गया तो उसका भी यही किया जाएगा कि उसको पकड़ के हलाल करके उसकी दवाई बनाई जाएगी और उसको हमारी बॉडी में फिट कर दिया जाएगा। ठीक है।